यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच करीब 5000 किलोमीटर दूर बैठे कुछ लोगों की चिंता बढ़ गई है। ये लोग मुंबई में कार्डोलिया क्रूज पर काम करने वाले यूक्रेनी नागरिक हैं और जिन्हें अपने परिवार वालों की चिंता सता रही है। परिवार वालों की सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे के बीच भी ये लोग अपने काम में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हालांकि कार्डोलिया कंपनी ने अपने यूक्रेन कर्मचारियों के लिए वो सारे इंतजाम किए हैं जिससे वो इस मुश्किल दौर से निकल सकें और अपने परिवार वालों के संपर्क में रह सकें। यूक्रेन रूस पर लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। यूक्रेन में हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। हर पल जान का खतरा मंडरा रहा है। रूस के हमले की वजह से भारत समेत तमाम देशों के नागरिक यूक्रेन छोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग भी अपना देश छोड़ पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। कीव से करीब 5000 किलोमीटर दूर मुंबई में भी एक छोटा यूक्रेन बसा हुआ है। यह है मुंबई में मौजूद क्रूज एम्प्रेस कार्डोलिया के यूक्रेनी कर्मचारी, जिनके परिवार रूस की बमबारी के बीच फंसे हुए हैं। घर वालों की सलामती की चिंता में क्रूज के यूक्रेनी कर्मचारियों की नींद उड़ी हुई है। शिप के कैप्टन दानिश का परिवार भी यूक्रेन में है, जबकि वो भारत में पर्यटकों की सेवा कर रहे हैं। The all Ukrainian and the Russian crew who is presently on board is very well supported by the company, by the organization Cardelia Cruises. They're all provided with the 24/7 way of communication with their families, and we're looking forward to launch some projects which will also facilitate their life on board, which will make this life easier, let's say, in present difficult situation. क्रूज पर हजारों काम करने वाले घर वालों की चिंता के बीच भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कार्डोलिया क्रूज पर कुल मिलाकर 600 क्रू मेंबर हैं, जिनमें से 20 यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के लोगों के लिए शिप में अलग जगह रखी गई है। यूक्रेन के सभी लोग साथ रह रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं। ये लोग यूक्रेन में फंसे अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। It's a difficult situation, but the crew, all 600 of them, stay together as a family, regardless of the situation. The crew lives on board, and with the leadership of the captain, and we are in direct communication with the captain every day to provide everything which is required to comfort them, to make sure they are able to reach out to their families. यानी कार्डोलिया क्रूज पर काम कर रहे यूक्रेनियन लोगों की कहानी उन भारतीयों से अलग नहीं है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। क्रूज पर काम करने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत हैं, अपने कर्तव्य पथ पर डटे हैं। उनका ये जज्बा तब है जब उनके परिवार और जान पहचान वाले युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। यशा कोटा के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।